डार सब दावत कांग्रेस कहान तक डार सब कांग्रेस हमारी पार्टी ने जो ये प्रोग्राम जय भारत सत्याग्रह है, इसका मतलब है कि सच्चाई को हम सामने लाएंगे। हमारे जो महबूब लीडर है राहुल गांधी जी, जो चार बार है मेंबर पार्लियामेंट, लोगों ने जिनको चुना है, इसी हिंदुस्तान की जनता ने जिनको चार बार मौका दिया है पार्लियामेंट में जाने का, 2019 में उन्होंने बात कही है कि हिंदुस्तान में बोलने का हक है हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्पीच बोलने का हक देता है कि अगर हम जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो आज ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के बारे में हमने इस सतह पे डेवलपमेंट को पहुंचा दिया है, उसने यही कहा है कि दो ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने आज तक किया है इस हिंदुस्तान को लूटने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके ऊपर उनको केस किया गया था, डिफेमेशन केस, ताकि एक समुदाय को उन्होंने, राहुल गांधी जी ने हमारे एक ओबीसी समुदाय के खिलाफ बोला, लेकिन उनमें से ओबीसी कैटेगरी में कोई आता ही नहीं है। और जिनके बारे में उन्होंने बोला था उन्होंने तो केस नहीं किया था, किसी और ने केस किया था। फिर जब इसका कोर्ट ट्रायल चला, एक ही दिन में उन्होंने सजा भी सुनानी और एक ही दिन में उन्होंने पार्लियामेंट से उनकी मेंबरशिप को रद्द किया है। क्या राहुल गांधी यही कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब यह था, वो लोगों के सामने लाना चाहते थे कि हमें यही बता दिए मोदी और अडानी जी के बीच में रिश्ता क्या है। जो कंपनी 2015 में 600 नंबर पे उसकी रैंक थी और 2022 में और 2023 में वो कैसे एक नंबर पे पहुंच गई, उन शेल कंपनीज में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा आया कहां से, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये पैसा आया तो आया कहां से, यही तो वो बोल रहे थे। मुझे पार्लियामेंट में बोलने उनको बोलने का हक तो है, लेकिन बोलने ही नहीं देते। लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदे को ताकि वो पार्लियामेंट में भेज दे, ताकि वो लोगों की रहनुमाई वहां करेंगे, लेकिन वहां उनकी तानाशाही में वो तो बात ही नहीं करने देते। डर रहे हैं वो राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो लोगों की बात सामने रखते हैं। आज हम गांव-गांव जा रहे हैं, टाउन में, गांव में, रोडों पे, हर जगह कांग्रेस आपको दिखेगी। बस यही बात हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है, सेव द डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र को बचाओ, कि हमारा हक बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रखवाली करना भी हमारा हक है।